हमें न्यायपालिका से उम्मीद है, संतराम पाल जी आज के मुकदमे में बरी होंगे। अच्छा, आज हमें उम्मीद है क्योंकि हमारा उसमें कोई वो कसूर नहीं है। अच्छा, और आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब जिस तरह से अभी ये जो तमाम जो बाबाओं के ऊपर केस चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप ये रामपाल जी का केस इसमें मतलब वो छूट जाएंगे उसमें? हाँ जी, जो और बाबा हैं उनके केस चल रहे हैं, उन्होंने गलत काम किए हैं। हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं था, हम शुरू से ही CBI जांच की मांग करते आ रहे हैं और हमने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून के विरुद्ध हो। अच्छा, हमारे गुरुदेव 21 तारीख को कोर्ट में जाने वाले थे, मगर उससे पहले ही पुलिस ने आश्रम में अटैक करके, उन्होंने तो काफ़ी मतलब ये जो उनको बोला गया नहीं, 21 तारीख मिली थी हाईकोर्ट से। हाँ, नहीं, पर जब वो उन्होंने पहले सरेंडर करने के लिए बोला गया था, मेडिकल दिया गया था हरियाणा नहीं, तब तो फायरिंग वगैरह हुई थी वहाँ से, उससे पहले मेडिकल दे दिया गया था। अच्छा, मेडिकल मान्यता यहाँ आगे लोकल उसने दिया था, DC भी आया था और लोकल मेडिकल की टीम आई थी, सर्टिफिकेट दे दिया था, हाईकोर्ट में 21 तारीख मिली थी। अच्छा, मान लीजिए आज वो फिर से मतलब कोई केस उनके ऊपर जैसे सजा का ऐलान हो जाता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हाईकोर्ट में अपील करेंगे, हाईकोर्ट में। हाँ, तो शांति बनाए रखेंगे। हाँ जी, शांति बनाएंगे और CBI जांच की मांग हमारी। अच्छा, हमारा मार्ग नहीं है हिंसा का, हमारे गुरुदेव ने शांति बनाए रखने को सिखाया।